हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आज के बॉक्स ऑफिस वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। हर बारी हम कोशिश करते हैं कोई नई मूवीज के बारे में भी आपके साथ शेयर करें, उसका बॉक्स ऑफिस अगर सरप्राइजिंगली अच्छा जा रहा हो, और जो मेन स्ट्रीम है जिसको लेके सब लोग ही एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे कंतारा हो गया या फिर रिसेंट रिलीजेस लाइक राम सेतु, थैंक गॉड, हर हर महादेव। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मूवीज होती है जो अचानक से सरप्राइज एलिमेंट भेज देती है, तो पोनियन सेल्वन पार्ट वन ने भी कुछ सरप्राइज एलिमेंट भेजा है। फिर ब्लैक भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और सरदार का डे टाइम भी अच्छा गया तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम जो आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट लेके आए हैं उसी के लिए ही शुरू कर देते हैं, फिर मेन स्ट्रीम के ऊपर आ जाते हैं। तो सरदार का जो डे 10 है उसके अंदर भी 2 करोड़ रुपए ऐड करते हुए जो कार्तिकी मूवी है वो 64 करोड़ रुपीज के ऊपर पहुंच गई है, विच इज अ वेरी गुड नंबर अगेन। सो बहुत अच्छा कर रहा है, और ये लड़का भी लड़का क्या आदमी बहुत ही शानदार एक्टिंग करता है, तो बहुत फैंस बना लिए इसमें। क्रूअल होने टाइम या फिर एक इनोसेंस दिखाना, दोनों ही बहुत खूबसूरती से कार्तिक भैया कर लेते हैं। वहीं ब्लैक एडम यानी कि रॉक डे 11 पे 2 करोड़ रुपए ऐड करके 35 करोड़ कमा लिए। जितना बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस उन्होंने क्रिएट किया था तो 100 करोड़ तक हो जाने चाहिए थे, बट इतना ज़्यादा कुछ उछाल आया नहीं। वहीं पर पोनियन सेल्वन, आपको जान के हैरानगी होगी, डे 31 के अंदर भी काफ़ी बढ़िया बिजनेस कर रहा है, 125 करोड़ रुपये ऐड करके ये लगभग 477 करोड़ रुपीज हो चुके हैं। ये 500 करोड़ टच करेगी मूवी, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल वेंचर रहा है ये। और मणि रत्नम ने जो विजन लेके ये मूवी को कॉन्सेप्चुलाइज किया था, तो उन्होंने कोई हाफ मेजर नहीं लिए। जब तक उनको ये नहीं लगा कि मुझे क्या मूवी चाहिए है और मुझे ऐसी ही चाहिए, तब तक उन्होंने बनाई नहीं। एनीवेज, तो अब हम बात करते हैं हर महादेव की। हर महादेव का जो डे 6 का जो कलेक्शन है वो है करीबन 1.2 करोड़ रुपीज, कल हुआ था करीबन 1.45 करोड़ रुपीज के आसपास। तो टोटल जो इसका नेट कलेक्शन हो गया वो 7.7 करोड़ रुपीज है। मेरे समझ के हिसाब से, मैं 3 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है इस तरीके की मूवी को लेके। इसकी पूर मार्केटिंग को भी थोड़ा दोष जरूर देना चाहिए, और लोग जो हुआ देखने में ज़्यादा बिलीव करते हैं और रियल सिनेमा को देखने में कम बिलीव करने लगे, वो भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से इशू है। वहीं पर ही अगर हम थैंक गॉड की बात करें, तो थैंक गॉड का जो डे 6 का कलेक्शन रहा है वो लगभग रहा है 4 करोड़ रुपये, कल भी 4 करोड़ रुपये करे थे। छोटे छोटे पैसे ऐड करना एक बड़े स्टार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो टोटल हो गया है 26 से बढ़ के 30 करोड़ रुपीज नेट, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ 37 है। ना इंडिया में ज़्यादा चली है ना बाहर ज्यादा चली है। अजय देवगन की मूवी ठीक ठाक बाहर भी बिजनेस कर लेती है, बट ये ओवरऑल बेसिस पे रिजेक्टेड ही है। उसके बाद अगर हम राम सेतु के बारे में बात करें, तो इसके ऊपर ग्रोथ तो जरूर आया है। आज 7 करोड़ रुपए सैटरडे को जो हुए थे वो 8.5 करोड़ रुपए हो तो गया है, लेकिन ये अभी भी बहुत कम नंबर है। तो बट अच्छी चीज ये है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि छोटे नंबर अचीव करने के बावजूद भी, ये 60-70 करोड़ रुपए इसके पास आने के बावजूद भी ये प्रॉफिटेबल वेंचर सबके लिए हो जाएगा। तो कल 49 करोड़ हुआ था, 50 का आंकड़ा पार करते हुए 57.5 करोड़ हो गया, और 75 करोड़ रुपीज हो गया है इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। ये रोते फोते धीरे धारे वाला वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ से ऊपर तो कर लेगी, लेकिन जो मजा तब आता जब इस तरीके की मूवी करीबन 200 करोड़ तो करती। अब मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ कमियां थी, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी थी। स्टोरी को ज्यादा मैं दोष दूंगा, थोड़ी सी स्टोरी और बेहतरीन हो सकती थी, थोड़ी सी और ग्रिपिंग हो सकती थी, चीजों को थोड़ा और एक्सप्लेन किया जा सकता था, या अगर नहीं करना था तो इस मूवी को थोड़ा सा और काट देते तो तब भी ये इफेक्टिव हो सकती थी। हम लोगों को थोड़ा, इंडियंस को ये प्रॉब्लम है कि जब हम मूवी बनाते हैं तो 1.5 घंटे की मूवी नहीं बनाते हैं सोच के कि शायद हम जस्टिस नहीं कर रहे हैं टिकट प्राइसेस को। ऐसा मत सोचिए, 1.5 घंटे में अगर आप बात बोल पा रहे हैं तो इसको ड्रैग ना करिए। यहाँ पर भी बहुत सारी बातें ऐसी थी राम सेतु के अंदर जो बहुत दिल को छुई, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे फॉर एग्जांपल जो सूट इतना आयरन मैन जैसा दिखाया उसका इतना ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, और वो बीच में ही लॉस्ट हो गया, तो वो सीन्स आप काट सकते थे, उसके अंदर उसको इतना ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं थी। तो एडिटिंग वॉज ऑल्सो एन इशू इन राम सेतु। शार्पर एडिट, अगर यही मूवी आप दोबारा से 1.5 घंटे में लॉन्च कर दोगे तो शायद लोगों का स्वाद बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी चलेगी। ठीक है जी, अब चलते हैं कांतारा की तरफ, जो यूनिवर्सली सुपर डुपर हिट हो चुकी है। डे 31 के अंदर भी बहुत बड़ा बिजनेस के विचेस, अगेन डबल डिजिट, कल भी 10 करोड़ करे थे, आज भी 10 करोड़ रुपए करे, कल 215 करोड़ हो गए थे, आज हो गए 225 करोड़, और जस्ट शॉर्ट ऑफ 300 करोड़ है इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, विच इज 297 करोड़, बिग नंबर। यहाँ पर इट इज इंपॉर्टेंट टू मैंशन कि हिंदी का कलेक्शन कैसे जा रहा है। ये हिंदी का कलेक्शन वर्ड ऑफ माउथ पर बहुत अच्छे तरीके से स्टीम पकड़ चुके हैं, और 3.5 करोड़ रुपये आज एड हुए हैं, विच
विच टेक्स द टोटल टू 42 करोड़ रुपीज। तो ये 50 करोड़ रुपीज हिंदी में जरूर करेगी और 350 करोड़ रुपए के आसपास ये थिएटर्स के अंदर करेगी अपने लाइफ टाइम बिजनेस में, जिसकी वजह से इसका जो OTT का जो रिलीज है वो भी थोड़ा सा पुश कर दिया गया है। जब ये ओरिजिनली साइन ऑफ हुई थी तो 45th डे पे इसका रिलीज OTT के ऊपर हो जाना था, बट अब ये थोड़ा सा पुश बैक हो चुकी है Amazon Prime Video पे। जब ये आएगी तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी मूवी जो डबल डिजिट्स के अंदर अपना रेवेन्यू दे रही हो वो इतनी जल्दी रिलीज नहीं होती है। बाकी हम मिलेंगे और अपडेट्स और रिव्यूज के साथ, और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना।